सबसे पहले मैंने गैस पे रखा है पैन। पैन में डालेंगे 2 कप पानी। अब डालेंगे 1 चम्मच नमक, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हैं। 2 छोटे चम्मच डाल देंगे ऑयल, मिला लेंगे अच्छे से। अब पानी को हमें जब तक कि उसमें हल्के से बबल्स ना आ जाएं तब तक गर्म करना है। ये देखिए हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, पानी गर्म हो रहा है। अब इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी, अच्छे से चला लेंगे। थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल इस तरह से आपका सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, सूजी अच्छे से पक जाएगी। जैसे ही इस तरह से आपका सूजी में गाढ़ापन आ जाए, ये देखिए बिल्कुल एक डो की फॉर्म में ये पूरा मिक्सचर आ गया है। अब क्या करेंगे, फ्लेम को बंद करेंगे और इसे कवर अप कर देंगे। तो कवर अप करके छोड़ दें आप। अब स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने लिया है आलू, 4 बड़े साइज़ के आलू हैं उबले हुए, प्याज बारीक कटा हुआ, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्ची, थोड़ा सा लेंगे धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है, आपको आलू को अच्छे से मैश करना है। आलू को मैश कर लेंगे, डन। अब इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स और सॉल्ट। थोड़ा सा डाल देंगे ब्लैक पेपर, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन पूरे चीज़ों को हमें मिक्स करना है और 1/4 के करीब हम डालेंगे अमचूर पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हैं। तो पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ मिक्सचर डन है स्टफिंग का, और डो वो भी हमारा रेडी है लगभग। अब हमें क्या करना है, पैन का हम ढक्कन हटाएंगे और ये बिल्कुल हल्का गुनगुना रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा आपको नहीं करना है मिक्सचर। जब बिल्कुल गुनगुना हो तो हम मसल लेंगे अच्छे से, मसल के बिल्कुल इसको चिकना कर लेंगे। तो गाइज ये वाली रेसिपी, इसका मैंने नाम दिया है आलू की पैटीज या आलू की कचौरी। तो आप बताइएगा कि आपको इसका कौन सा नाम जो है परफेक्ट लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से लेंगे डो का पोर्शन। तो जिस तरह से हम कचौरी वगैरह कुछ भी बनाते हैं उसके लिए लेते हैं डो, तो सेम वैसे ही तरीके से आपको डो लेना है। हल्का सा मैंने उसे फ्लैट कर लिया और बिल्कुल घुमाते हुए हम कटोरी के शेप में हल्की सी स्पेस बनाएंगे और उसमें स्टफिंग को थोड़ा सा रख देंगे और फिर बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ को निकालते हुए अंगूठे की हेल्प से बीच से और फिर इसे रोल कर देंगे। तो बिल्कुल सर्कल शेप में ये हमारा बनकर रेडी है। आप शेप चाहो हल्का सा फ्लैट भी कर सकते हो, यहाँ मैं इसको पूरा सर्कल में रख रही हूँ। तो पूरी कचौरी को या पैटीज को इसी तरह से स्टफ करके रख लेंगे पहले। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। यहाँ देखिए स्टफिंग डन है, ऑयल हमारा रेडी है, अब हमें इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मीडियम आंच का इस्तेमाल करें, ना बहुत ज़्यादा तेज हो और ना बहुत कम। तेज रखोगे तो ये जल जाएगी, अच्छे से पकेगी नहीं, क्रिस्पी नहीं होगी। और अगर आप बिल्कुल कम कर दोगे तो इसमें ऑयल ज़्यादा भर जाएगा। तो क्या करना है, मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल पलटते हुए आपको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। एक बहुत ही अलग तरह का ये नाश्ता, ये स्नैक्स बनकर रेडी होता है। आप इसे किसी भी पार्टी वार्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, बना सकते हो। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी लगने वाली है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, बिल्कुल हल्का सुनहरी रंग जो है वो आ चुका है और ये हमारे बिल्कुल फ्राई होकर हो गए हैं तैयार। तो सर्व करने की आपकी अपनी चॉइस है, ग्रीन चटनी या रेड वाली चटनी किसी के साथ भी सर्व करें। ये देखिए बाहर से एकदम क्रिस्पी है, कड़क है, अंदर से उतने ही
मज़ेदार वाली स्टफिंग है। तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी, ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक एंजॉय करें आप।